प्रदेश में लगातार बढ़ रही सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने प्रदेश के डीजीपी नंदन दुबे को ज्ञापन देकर उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में दंगों को लेकर पुलिस बेकसूर लोगों को जेल में डाल रही है, वहीं दंगा कराने वाले शरारती तत्व आज भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। उन्होंने डीजीपी से प्रदेश में दंगों को लेकर कड़ी नजर रखने की मांग की है। साथ ही कहा कि उपद्रवी तत्व किसी भी समाज के क्यों ना हो, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कुछ शरारती तत्व दंगे करा रहे हैं, उसको लेकर आज हमने डीजीपी महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने उनसे निवेदन किया है कि आप पूरे मध्य प्रदेश में खासतौर से ऐसे निर्देश दें ताकि दंगाइयों पर नजर रखी जाए, क्योंकि इससे पहले रायसेन के अंदर शरारती तत्वों ने दंगा कराया, फिर उसके बाद में खंडवा में दंगा हुआ, कर्फ्यू लगा हुआ है आज भी, और बेकसूर लोगों को थाने में बंद करा जा रहा है, और शरारती जो लोग हैं, शरारती तत्व, वो दंगा करा के गायब हो गए हैं। तो अगर जो लोग शरारती तत्व हैं, चाहे वो किसी भी समाज के क्यों ना हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए, और जो बेकसूर लोग हैं जिनको के झूठा फंसाया जा रहा है, उन निर्देशों को झूठा ना फंसाया जाए, उसके लिए हमने डीजीपी महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने उनसे कहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर आप कड़ी नजर रखें ताकि पूरा प्रदेश जो है धीरे धीरे सांप्रदायिक जो घटनाएं हो रही हैं वो ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएसटीवी न्यूज, भोपाल।